हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज है 13 जून और आज सुबह से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दिया है और आम रस जो है वो निकाल के रख दिया है। और आज सब्जी में बनने जा रही है कुंदरू की सब्जी, जिसको टिंडोरा बोलते हैं गुजराती में। ये देखिए, ये आम रस निकल गया। कल का मेरा वीडियो आपने देखा फ्रिज क्लीनिंग का, नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा। तो आज बन रही आमरस, कुंदरू आलू की सब्जी और रोटी। हाय फ्रेंड्स, ये देखो मेरा माइक। और गुड्डू ने अपने ब्लॉग से माइक बनाया है और उसने अच्छी से एंकरिंग की है। मैं उसके एंकरिंग का वीडियो इसके बाद डाल दूंगी, देखिएगा जरूर। कुछ बोल के दिखाइए तो देखिएगा, वो न्यूज एंकर बना है, कोरोना न्यूज दे रहा है कि कोरोना में हमें क्या करना है। तो वो वीडियो मैं इसके बाद में आपको इस वीडियो में डाल दूंगी। तो चलिए फिर मैं कुंदरू को अभी लाइट आई है, सुबह से लाइट नहीं थी, 11:30 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे से लाइट चली गई थी और बिल्कुल भी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो अभी मैं चार्जिंग में लगा रही हूँ फ़ोन मेरा, थोड़ी देर के बाद, फास्ट चार्जर है तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो कुंदरू की सब्जी बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जाता है कोरोना, कोरोना से बचना चाहिए तो आपको सैनिटाइजर और मास्क करना चाहिए। मास्क पहनो, बाहर जाओ, सैनिटाइजर लगाओ, किसी को मत छुओ। अगर कोई आदमी बाहर से आए तो उसको मत छूना, उस आदमी को पहले नहला देना, बाद में उसको छूना, और उसका मोबाइल भी, और उसका देखते रहिए एनडीटीवी। मैं हुई हां ठक्कर, कैमरा मैन सत्यन के साथ, देखते रहिए एनडीटीवी। यहाँ शाम की चाय बन रही है फुदीने वाली। आज बाहर एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लाउडी है, शायद बारिश हो जाए, तो सुबह का जो सारा काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। और दोपहर को थोड़ा आराम कर लिया और ये शाम की चाय बन रही है, मेरी अकेले की चाय बनेगी। मेरे हस्बैंड को अभी चाय पीने का मूड नहीं है। और पुदीने वाली अदरक घर में नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बारिश के सीज़न में मैं अदरक कम पसंद करती हूँ, क्योंकि वो गीले हो जाते हैं तो फिर थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि बिगड़ जाते हैं, जिसलिए मैं अदरक अवॉइड करती हूँ। और ये जो मैं घर में जो मसाला बनाया है वो मैं चाय में डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने चाय के साथ यहाँ मैं सेक रही हूँ चावल के पापड़, जिसे गुजराती में पापड़ी और सारेवड़ा भी बोलते हैं, मुझे चाय के साथ काफ़ी पसंद है। तो फिर मेरी चाय बन रही है तो मुझे ये चावल के पापड़ चाय के साथ अच्छा लगता है। तो ये मैं आज नाश्ते में कुछ करने के और कुछ है नहीं तो यही ले रही हूँ। और मेरी अकेले की चाय है, यहाँ भी बता चुकी हूँ आपको। तो रात को डिनर में बना है आज आलू के पकौड़े, जिसको गुजराती में बोलते हैं आलू भजिया, बटाका भजिया। तो बारिश हो रही है बाहर, तो मेरे हस्बैंड को ये भजिया खाने का मन हुआ तो मैंने कहा चलो डिनर में आज यही बना देते हैं। तो मैंने बस ये आलू की स्लाइस कर दी है, ये बेसन जो बैटर है उसमें सिर्फ हल्दी, नमक, थोड़ी सी धनिया और मिर्च की पेस्ट, हल्दी, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी और सोडा, ये डालकर बैटर तैयार किया। और ये आलू की चिप्स अंदर डालकर मैंने तल दी है और ये आलू के पकौड़े हमारे रेडी।
उसको भजिया पसंद नहीं है, इसलिए वो आलू की चिप्स बना रही है। तो जो बड़े वाले जो आलू होते हैं वो सारे यूज़ हो चुके थे ये भजिया बनाने में, तो आलू की साइज़ छोटी है इसलिए छोटी छोटी चिप्स बनी है, और वो यहाँ ये सॉस के साथ खा रही है। और जो बाकी का जो बैटर बच गया था उसकी मैंने बूंदी बना दी है, लेकिन ये थोड़ी आपस में चिपक गई है, अच्छे से नहीं बनी है। लेकिन दूसरी वाली जो मैंने जो तलने का जो बोलते हैं जारा बोलते हैं गुजराती में उसको, वो आता है, उससे मैंने बनाई है, तो वो काफ़ी अच्छी बनी है, आपस में चिपक नहीं रही है। ये पहले वाली है वो थोड़ी आपस में चिपक गई थी। ये देखिए मैंने इस तरह से बूंदी को बनाया है, तो आपस में नहीं चिपकी है, सब ये अलग अलग है। ये पहली वाली है वो थोड़ी चिपक गई है, तो वो सारा बैटर है वो मेरा थोड़ा वेस्ट हो गया। After dinner, my kitchen is very very dirty. तो अब कुछ प्लेट्स तो मैंने यहाँ रख दी है कि अभी 8:30 बज चुके हैं और काफ़ी देर मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। यहाँ ज़ोरों से बारिश हो रही थी अभी ही, एक डेढ़ घंटा काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से हमारे घर में ये आलू के पकौड़े, इसको हिंदी में पकोड़े बोलते हैं, गुजराती में इसको बटाकाना भजिया कहवाई छे, मतलब बोलते हैं उसको बटाकाना भजिया उसको बोलते हैं। तो सत्यन को मतलब वो इनको खाने की इच्छा होगी, चलो बारिश है तो बारिश के मौसम में ये पकोड़े भजिया ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू और प्याज के भजिया मैंने बनाए थे, और जो बाकी का जो बैटर बन गया उसकी मैंने ये मसाला बूंदी जिसे बोलते हैं वो मैंने बना दी है, तो बच्चे खा जाएंगे दही के साथ, उनको दही बूंदी भी काफ़ी पसंद है। तो एक बैटर से दो चीज़ें बना दी। त्रुही को भजिया पसंद नहीं है इसलिए उसने चिप्स काट कर रखी थी, वैसे आलू बड़े नहीं थे इसलिए छोटे छोटे आलू की छोटी छोटी चिप्स बनी, क्योंकि जो बड़े बड़े आलू थे वो सारे ये पकौड़े में मैंने जो है यूज़ कर लिए थे, इसलिए छोटे ही आलू थे इसलिए चिप्स काफ़ी छोटी बनी। मुझे बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू बूंदी अच्छा खा ली। हाँ तो अब बस मैं ये किचन साफ करने जा रही हूँ, और अभी अभी न्यूज़ आया है कि गुजरात में भूकंप हुआ है, हमारे यहाँ भी था लेकिन हमें कुछ इफेक्ट हमें पता नहीं चला घर में। अभी जस्ट वही न्यूज़ चल रही है टीवी पर, 8:30 बजे है, और अब मैं ये सारा जो किचन है वो मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्लाइसो मैटिक है ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, तो आज पहली बार इसको यूज़ किया है पकोड़े को मतलब आलू की स्लाइस करने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और ये जो दूसरा जो ये कटर है ये तो हमारे पास था जिसमें त्रुनी ने चिप्स काटी है, उसकी इस टाइप की ब्लेड आती है, तो ये सब कुछ अभी मुझे साफ़ करना है, तो मैं आपसे ये सब साफ़ करने के बाद मिलती हूँ। वो सारा काम ख़त्म करके हम सब लोग अंदर आ गए हैं, एसी ऑन हो चुका है, और अभी 11:15 बजे हैं, और गुड्डू यहाँ मोबाइल लेके बैठा है, त्रुनी सोने की तैयारी कर रही है, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सो चुके हैं। और तो अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।